फसल अवशेष प्रबंधन के तहत रेड जोन में आने वाली पंचायतों को अच्छा प्रदर्शन करने पर राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें प्रथम स्थान पर प्राप्त करने वाली पंचायत को 10 लाख रुपए, द्वितीय को 5 लाख एवं तृतीय को 3 लाख रुपए इनाम स्वरूप दिए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन ने उपायुक्तों को प्रदेश में पराली जलाने के जीरो बर्निंग के लक्ष्य को प्राप्त करने, इन सीटू के एक्स सीटू प्रबंधन और छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता आधार पर फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। वे फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रहे थे। उन्होंने सभी डीसी को निर्देश दिए कि जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनरी की आपूर्ति कस्टम हायरिंग केंद्रों व किसानों, विशेषकर छोटे एवं सीमांत किसानों को 70% मशीनरी का आवंटन सुनिश्चित करें, साथ ही इन मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग भी सुनिश्चित करें। इसके अलावा बेल्स की खपत के लिए औद्योगिक इकाइयों तथा गौशालाओं के साथ संपर्क स्थापित किया जाए। उन्होंने उपायुक्तों को इन सभी गतिविधियों की रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर मुख्यालय भेजने के लिए भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने बताया कि फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखने और नियंत्रण के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई, जिसके तहत सैटेलाइट इमेज के आधार पर 100 से 115 मीटर के दायरे में पराली जलाने की घटना का एक SMS दिन में 2 बार सरपंचों, ग्राम सचिव, उप निदेशक कृषि विभाग, तहसीलदार और उपायुक्त को भेजा जाएगा, ताकि वह मौके पर जाकर स्थिति का जायजा ले सके और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके। उन्होंने बताया कि भविष्य में सैटेलाइट इमेज का EO इमेज के साथ मिलान किया जाएगा, ताकि ऐसी घटनाओं पर और कड़ी निगरानी रखी जा सके। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि CHC और किसानों को मशीनें वितरित कर दी गई हैं। लाल व पीले जोन में आने वाले गाँवों में कस्टमर हायरिंग सेंटर व किसानों से आवेदन करवाए गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर पंचायती स्तर पर स्थापित 851 कस्टम हायरिंग केंद्रों में दिए जाने वाले उपकरण व फसल अवशेषों के भंडारण पंचायत भूमि पर सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।